जब जब आप गुरु रविदास जी के सत्संग में या बहुजन संतों महापुरुषों के कार्यक्रम में आते हो, तो हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे संतों और महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है, यदि हमारे संत और महापुरुष हमारे लिए संघर्ष नहीं करते, यदि गुरु रविदास जी देश और दुनिया को समानता, समता और बंधुता का पैगाम नहीं देते, तो बहनों माताओं शायद आप नहीं जानते इस समाज की क्या दुर्दशा होती। अगर गुरु रविदास जी उन तानाशाह राजाओं के साथ में न संघर्ष करते, जब उन राजाओं को पता लगा कि एक साधारण संत, दलित समाज में पैदा हुए संत, इस बहुजन समाज में एक ऐसे महान संत जो बहुत साधारण भेष में रहते हैं, जब बड़े बड़े राजाओं ने पूछा कि गुरु रविदास जी आपके पास इतना ज्ञान है, परम शक्ति है, आपको अद्भुत ज्ञान है, आप क्या चाहते हैं, गुरु रविदास जी उन्हें एक मुहावरे में बस यही कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी कौन और छोटे बड़े सब समान बसे। गुरु रविदास रहे पर्सन कि हम ऐसा राज चाहते हैं जहां सब समान हो, सबको रोटी मिले, सबको रोजगार मिले। और उसी मिशन को परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आगे बढ़ाया है। मैं बहुजन समाज के लोगों आपको बड़ी दूर से ये कहने के लिए आया हूँ, आपसे वार्ता करने के लिए आया हूँ कि मेरा बहुजन समाज मुझे वहां सत्संग में बैठा हुआ मिलेगा, क्योंकि आज भी मेरा समाज बाबा साहब को, गुरु रविदास जी को, छत्रपति साहू जी महाराज को, बिरसा मुंडा को, साहब काशीराम जी को, सदगुरु समनदास जी महाराज को वो नहीं समझ पाया। आज भी वो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, आज भी वो उन पर पैसे खर्च करता है जिन्होंने हमारे संतों महापुरुषों की हत्या कराने का प्रयास किया। आज भी हमारा समाज बहुजन संतों महापुरुषों को नहीं जान पाया, और सबसे बड़ा कारण बहुजन समाज के लोगों यही है कि हम आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं, सामाजिक रूप से भी कमजोर हैं, राजनीतिक रूप से भी कमजोर हैं। क्योंकि बहुजन समाज के लोगों जो अपने रहबर को नहीं जानता, जो अपने बाप को बाप नहीं कहता, वो दुनिया में कितना भी समाज सेवा कर ले कभी उसे सम्मान नहीं मिल सकता है। इसलिए हमारे रहबर, हमारे गुरु, हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को अगर आप लोग नहीं जानोगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को अगर नहीं जानोगे, तो तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला है। बहनों माताओं ये कान खोलकर सुन लेना, अगर तुम्हारी बात अगर किसी ने सुनी होती, अगर तुम्हारा उद्धार किसी ने किया होता, तो जब संविधान नहीं था, इन बुजुर्गों से पूछो इन्हें कितनी लाठियां मारी जाती थी, कितना अपमान होता था, जमीनें छीनी जाती थी, लेकिन गुरु रविदास जी ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपके लिए संघर्ष करके आप लोगों को यहाँ तक लाए हैं। आज मेरे समाज में डीएम भी हैं, कलेक्टर भी हैं, और बहन कुमारी मायावती जैसे सीएम भी बन चुके हैं, और आने वाले समय में पीएम भी बनेंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और गुरु रविदास जी की देन है। तो बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, अगर आप लोग अपने बहुजन संतों महापुरुषों को नहीं जानोगे, इस क्षेत्र के अंदर ये गुरुघर सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ कितने लोग आते हैं? क्या आपका फर्ज यही बनता है कि एक साल में एक बार आए? क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि हम लोग यहाँ प्रत्येक महीने यहाँ के संतों का हालचाल जानते रहें, यहाँ की व्यवस्था को चलाने के लिए हर तरह मदद करते रहें? क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता? हमारा बहुजन समाज आज भी ये घिनौने काम कर रहा है कि बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण से नौकरी लगती है, और दूसरे के मंदिरों में तुम चढ़ा पचड़ा नया काम करते हो जिन्होंने बाबा साहब की हत्या कराने का प्रयास किया। तो हमसे मूर्ख कौन हो सकता है? हमारा उद्धार इसलिए नहीं हुआ कि हमने दूसरों के दर पर सर झुकाया, हमने अपने महापुरुषों के सामने सर झुकाना नहीं सीखे, हम अपने सत्संग करना नहीं सीखे। मैं बहुजन समाज के लोगों आपको बार बार यही कहना आया हूँ कि ये वक्त है, और देश की सरकार तुम्हें भिखारी बनाना चाहती है, तुम्हारी जमीनें तो छीन ली है, तुम्हारे रोजगार भी छीनना चाहती है, लेकिन बाबा साहब यही कहते थे कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, जो अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी शासक नहीं बन सकते। जब तक तुम गुरु रविदास जी को नहीं जानोगे, जब तक मनुवादी लोगों के कहने पर तुम 9-9 दिन व्रत रखना बंद नहीं करोगे, जब तक उनके दर पर तुम चढ़ापा चढ़ाना नहीं बंद करोगे, जब तक अपने गुरु घरों में तुम आकर नहीं बैठोगे, उनके विचारों को नहीं जानोगे, बाबा साहब का संविधान घर में नहीं रखोगे, बाबा साहब को नहीं पढ़ोगे, तुम
तुम्हारा उद्धार कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, ये जान लेना। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो आदरणीय श्रद्धादास महाराज जी हैं, बहुजन समाज के लोग और खासकर युवा, मेरे कान खोलकर बात को सुन लेना। ये लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी लड़ी, मान सम्मान की लड़ाई थी। बहनों माताओं, मान सम्मान की लड़ाई थी। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर इस लड़ाई को मान सम्मान की लड़ाई नहीं समझते, उन्हें राष्ट्रपति बनने का भी अवसर दिया गया। इस देश की सरकारों ने कहा कि तुम दलित दलित मत चिल्लाओ, तुम्हें राष्ट्रपति बना देंगे। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, मेरा समाज रोज धूप में मरता है, उसकी जमीनें छीनी जाती है, उसको नौकरी नहीं मिलती है, मैं उसके लिए काम करना चाहता हूं। और बाबा साहब ने करके दिखाया। युवा साथियों, मैं आपसे एक कहना चाहता हूं कि आज हमारे संतों को जो गुरु रविदास जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, आज उन्हें डेरे चलाने के लिए सोचना पड़ता है, बड़े श्रम की बात है। आज उन्हें डेरे को आगे बढ़ाने के लिए, गुरु रविदास जी की विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है। और देश के अंदर जितने भी गुरु रविदास जी के जो डेरे चल रहे हैं, कान खोलकर सुन लेना, ये वक्त फिर नहीं आएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, बेटा हूं आपका, कोई नेता नहीं हूं, बेटा हूं, भाई हूं आपका, हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे सामने, इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं कि गुरु घर में जितना भी तुम्हें चढ़ावा चढ़ाना है, इस गुरु घर में चढ़ाओ। जहां जहां गुरु रविदास जी के डेरे हैं, जहां जहां बाबा साहब के जो घर बने हैं, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो गुरु घरों में दान करो जितना तुम्हें दान करना है। और जो लोग आईएएस और पीसीएस हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हो और चाहे वो डीएमएसएसपी हो, जो वो दूसरे के लोगों में, दूसरे के दरों पर माथा टेकते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि भ्रम दूर कर लेना भाई। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते, गुरु रविदास जी नहीं होते, तुम्हें कोई चपरासी भी नहीं लगाता, चपरासी डीएमएसएसपी की तो दूर की बात है, कहां भ्रम में जी रहे हो। और मैं गुरु रविदास, यहाँ पर जो हमारे आदरणीय श्रद्धादास महाराज जी हैं, मैं उनसे इजाजत चाहता हूँ। मुझे उन्होंने इजाजत तो नहीं दी, लेकिन मैं आपसे, खासकर युवाओं से और मेरी माताओं बहनों से, मैं एक अपील करना चाहता हूँ इस गुरु घर के लिए। और पूछना चाहता हूँ आपसे कि कितने लोग जानते हैं कि जो हमारे इस डेरे को चला रहे हैं आदरणीय श्रद्धादास जी, वो यहाँ गुरु रविदास जी के नाम से स्कूल की स्थापना करने जा रहे हैं। कितने लोग जानते हैं, हाथ खड़ा करके बताओ। देखो आधे लोग भी नहीं जानते। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, माताओं बहनों मुझे बताओ, क्योंकि मुझे इन बुजुर्गों पे भरोसा नहीं है, कड़वा है, लेकिन अपनी माँ पे, क्योंकि बेटा जो है ना लड़ रहा है उनकी लड़ाई, और बेटा तुम्हारे सम्मान के लिए और समाज के लिए झुकेगा नहीं बिल्कुल भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माताओं, अगर तुम्हारी बेटी अगर इस गुरु रविदास जी के नाम से जो श्रद्धादास जी स्कूल चला रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी डीएम और कलेक्टर बन जाएगी, सीएम और पीएम बन जाएगी, बताओ क्या बुरा हो जाएगा, बताओ क्या गलत हो जाएगा, मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूं। माताओं बहनों, जो इस स्कूल में पढ़कर जो बच्चे डीएम और कलेक्टर बन जाएंगे, क्या वो तुम्हारे घर का या समाज का भला नहीं करेंगे? क्या तब भी समाज का उत्पीड़न होगा? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। तो आप लोग इस गुरु घर के नाम, गुरु रविदास जी के नाम से जो स्कूल की स्थापना आदरणीय श्रद्धादास जी करने जा रहे हैं, उसमें मदद करोगे नहीं करोगे? हाथ खड़ा करके बताओ, करोगे नहीं करोगे मदद? और जितने भी सरकारी नौकरी कर्मचारी लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यहां प्रत्येक महीने आए, इस क्षेत्र में ये सबसे बड़ा गुरु घर है हमारा। और शुरुआत आपका बेटा, आपका भाई कर रहा है, जो आदरणीय श्रद्धादास महाराज जी ने जो गुरु रविदास जी के नाम से जो स्कूल की स्थापना की है। मैं 2100 रुपए अपनी तरफ से शुरुआत कर रहा हूं, और ये आप भी जान लेना, आज शुरुआत करनी है आपको। बंदगी के पैसे अलग हैं, स्पष्ट है, और गुरु रविदास जी के नाम से जो स्कूल की स्थापना हो रही है, उसमें दान अलग करके जाना है आपको। 2100 रुपए मंजीत सिंह नोटियाल शुरुआत कर रहा है इसकी, लो लीजिए भैया।
5100 रुपए उधर से गुरु रविदास जी के आश्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। शेरों की जरूरत है, शेर का बच्चा है कि अच्छा? देखो शेरों की जरूरत है, बहुजन समाज में ताकत पूरी है। बहनों माताओं मेरे भाइयों, बहुजन समाज में ताकत पूरी है, लेकिन बाबा साहब ने यही कहा था कि जब तक इस ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो मनुवादी तुम्हें तोड़ देंगे, गुलाम बना देंगे, नौकर बना देंगे, भिखारी बना देंगे। अब तुम भिखारी बनना चाहते हो कि शासक बनना चाहते हो, ये तय तुम्हें करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं नेता नहीं हूं, बेटा हूं आपका। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे कि जो हमारे संत जो समाज में आदेश करें, जो आपको कहें, उसको गंभीरता से लें, क्योंकि इनका कुछ अपना नहीं है, वो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे संत समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुजन संतों महापुरुषों का इतिहास आगे बढ़ा रहे हैं, भाई उनकी सम्मान और सुरक्षा किनकी जिम्मेदारी है बताओ? उनकी सुरक्षा सम्मान हमारी जिम्मेदारी है ना? तो हम उनकी सुरक्षा के लिए ये संकल्प भी लेते हैं कि हम उनकी सुरक्षा और सम्मान सेवा करेंगे। उनके सुरक्षा सम्मान के लिए किसी परिस्थिति से गुजरना पड़े गुजरा जाएगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ फिर से कि गुरु रविदास जी के नाम से जो स्कूल की स्थापना हो रही है, प्रत्येक भाई आज जरूर उसमें दान करके जाए। जय भीम, जय गुरु रविदास।